नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपका लोअर PCS का फुल सिलेबस अपने चैनल पर कंप्लीट करा देंगे और आपके लगभग हमने यहाँ पर कई पार्ट अपलोड भी कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और आपको लगभग हम यहाँ पर 50 पार्ट में लगभग आपकी लोअर PCS से जो बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है उनको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज पॉलिटी का टेस्ट लगाने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन आपके क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मंत्रिपरिषद से और आपके संसद से कम्बाइंड आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। कह रहा है आपसे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? ठीक है, तो ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बने थे उस समय लोकसभा के सदस्य भी थे। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, जो कि चंद्रशेखर। ठीक है, कौन थे? चंद्रशेखर थे। और यहाँ पर आपका जो चंद्रशेखर हैं ये बलिया जो कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य थे, वे 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर बात करें जो आपके HD देवगौड़ा हैं और आपके इंद्र कुमार गुलजार और साथ में आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये प्रधानमंत्री जब बने थे ये राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो बात आती है नेशनल मतलब डेवलपमेंट काउंसिल की, जो स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, तो इसके कौन कौन शामिल होते हैं? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। ठीक है, और इसके पदेन जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, इनके सदस्यों में सभी कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी शामिल होते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सही जवाब किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, जब तक उसे प्राप्त है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? सी नंबर, अर्थात लोकसभा का विश्वास। जब तक लोकसभा का विश्वास है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री रह सकता है, लेकिन अगर किसी प्रकार की मंत्रिपरिषद में मतभेद होता है या अविश्वास पारित होता है तो उस ऐसी स्थिति जब वो अविश्वास होता है उसमें अपना मत नहीं देंगे, जिसे प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस पर हैं? ऑप्शन राइट हो जाएगा केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, केंद्र सरकार के पास है, एक संविधान में अनुच्छेद है 248, उसमें से इन विषयों पर विधि निर्माण बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? सिक्स का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सिक्स का बी नंबर। ठीक है, और सरकार ने वर्ष 1983 में रणजीत सिंह की सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का आयोजन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चार आपके ऑप्शन हैं और इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद जो कि कह सकते हैं कि नेशनल
इंटीग्रेशन काउंसिल का गठन, ठीक है, मतलब ये हुआ। और इसका गठन जो हुआ था आपका, इसका गठन हुआ था आपका 1961 में, तत्कालीन उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद व सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की समस्याओं से निपटने के लिए इस परिषद का गठन किया गया था। और इसके प्रधान के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि प्रधानमंत्रियों को उनके कालक्रम के अनुसार सुमेलित कीजिए, अर्थात कौन पहले आए हैं कौन नहीं आए हैं और उसको क्रम करना है। तो देखिए आपका जो आपका विश्वनाथ प्रताप से ले लीजिए, विश्वनाथ प्रताप आपके आए हैं 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक आए थे, ठीक है। और इसका जो आपका हो गया, समझ गए ना। और जो चंद्रशेखर थे आपके, चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर जो आए थे 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, समझ रहे होंगे ना इसका ये। और इसके पहले वाला 90 मतलब आपका ये। और इसके बाद जो एच डी देवगौड़ा हैं ये आपके आए थे 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, मतलब कि आपका जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो 10 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक रहे थे, अर्थात इसका जवाब आपका ये हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग से आपका जो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इस समय बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग से सही मिलान करने पर आपका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर, जो कि 4312 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कैबिनेट का तात्पर्य क्या है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है, तो कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उन्हें कैबिनेट कहते हैं। जो मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रीगण शब्द का जो प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया था। और मंत्रिमंडल का जो आशय होता है मंत्रियों के उस समूह से होता है जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, याद रखना। मंत्रिपरिषद में कौन कौन है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन जो हुआ है वो किसके अंतर्गत हुआ है, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, ठीक है। तो संविधान के प्रावधानों से हटकर कह सकते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री में उप प्रधानमंत्री कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, किंतु समय समय पर देखा जाए तो राजनीति सत्ता में जब रूढ़ौतावादी आती है तब संविधान के प्रावधान में हटाकर उप प्रधानमंत्री के पद का भी सृजन किया गया। जैसे कि देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन एक स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मतलब बहुत का मतलब इतनी ज़्यादा बार पूछा गया है हम तुलना नहीं कर सकते हैं। और इसका आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, 91वा संविधान संशोधन जो हुआ था ये अधिनियम आपका 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें से 15% से अधिक आपके यहाँ पर कोई भी मंत्री नहीं हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही होता है, इसलिए प्रधानमंत्री को लेकर ही 15% तक हो सकते हैं, ठीक है। कौन सा संशोधन हुआ था, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये वर्ड जोड़ा गया था कि 15% से अधिक नहीं होंगे मंत्रिपरिषद में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं, हमने पिछली बार ये क्वेश्चन कमेंट करके पूछा भी था, तो ऑप्शन राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 बार, मतलब 2 बार आपकी बैठकें होती हैं, जो कि 2 सत्रों का आयोजन होता है तो 6-6 माह के अंतर्गत में होता है, तो आपका हो जाएगा 1 साल में कितनी बार, 2 बार होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है,
तो स्वीकृति किसकी चाहिए आपको ही? कोई भी आपका अगर सरकारी व्यय है तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, संसद के बिना नहीं किया सकता है। ठीक है, संसद के बिना नहीं किया सकता है, जो कि कह सकते हैं विनियोग विधेयक का उल्लेख जो आपका दिया गया है 114 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? ठीक है, किस निधि में रखा जाता है? ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, भारत की संचित निधि में रखा जाता है। करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त होता है तो किस निधि में? भारत की संचित निधि में। तो बात आती है कि भारत की संचित निधि का जो उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 266 के तहत ये कहा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है, कौन एक कथन सत्य है? तो कह रहा है धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड कह रहा है धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी में भी प्रस्तावित किया सकता है, ये भी गलत है। थर्ड कह रहा है धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया सकता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन राइट आपका डी होगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, जो कि अनुच्छेद आपका 110 होता है वहाँ पर प्रस्तावित किया जाता है। ये राज्यसभा को देती तो है, विचरण करने के लिए देती है, कितने दिनों के लिए? 14 दिन के लिए सिर्फ विचरण कर सकते हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि अस्वीकार नहीं कर सकती है राज्यसभा। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है, संचित निधि पर भारित नहीं होता है? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, ये भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं, जो संविधान का अनुच्छेद 112 है। तो 112 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते, जबकि भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद विधि द्वारा निर्धारित करते हैं। मतलब इनके जो पैसे होते हैं तो इनका वेतन भत्ता संसद लोग खुद करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? शून्यकाल जो ली गई है वो किस देश से है? तो आपकी ये शून्यकाल सिर्फ भारत की ही देन है, मतलब कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो 12 बजे से प्रारंभ होने का जो कारण होने के कारण इसे ही शून्यकाल कहता है, शून्यकाल कहा जाता है। और इसमें कोई संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का कोई भी प्रश्न उठा सकता है। शून्यकाल को वर्ष 1962 में भारतीय संसदीय प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया, मतलब कि ये जो लिया गया है वो भारतीय संसद से ही लिया गया है। और 12 बजे मतलब कि कह सकते हैं कि पहले आपका जो होता है प्रश्नकाल, फिर आपका क्या होती है आपका बीच में यहाँ पर आपका शून्य होता है, फिर आपका होता है कार्यसूची। ठीक है, ये आपके वर्ड होते हैं जो आपके संसद में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 32 नंबर, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये पिछली बार UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग चले थे, लगभग 4 माह तक, और इसमें से 489 स्थानों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें जीवी मौलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रोटेम स्पीकर सामान्यता किसे नियुक्त किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है? 33 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, नौ निर्वित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को निर्वाचित कर लिया जाता है, मतलब कह सकते हैं कि उसे नियुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाँ, हमारे इस वीडियो के सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, लगभग आपके यहाँ पर 30 पार्ट इसके बनाए गए थे, 20 पार्ट बनाए गए थे, 20 क्वेश्चन आपके थे इस वीडियो में, लेकिन हमने यहाँ पर डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है, और भी बेहतरीन हमारा प्रयास ही रहेगा और भी अच्छा समझाने का। 30 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है,
कि निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, चार ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है। जो अगला वीडियो होगा वहाँ पर हम लोग मंत्री परिषद से जुड़े हुए ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप लोग अगला पार्ट जरूर देखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।